हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जा रही हूँ सैलून एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, मेरा सुबह सुबह ब्राइडल मेकअप है, तो इसलिए चलिए चलते हैं शॉप पर। मैंने कंप्लीट सब रेडी कर दिया है, व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी इसलिए वापस आए रूम में। तो चलो अभी जाएंगे, और ज्योति को भी बोल दिया है, ज्योति भी वहाँ पर पहुँचती ही होगी, लेट ना हो इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। चलिए करो पे रोमा मेकअप स्टूडियो पे पहुंच चुके हैं। ये कबूतर भी अभी उड़ के गया। जल्दी से जल्दी चलो खोल देते हैं शॉप और सारा अरेंजमेंट कर देते हैं, जो भी मेकअप का ज़रूरत है वो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और अभी बज रही है 9:30। लगभग 8:15 पे हो गई थी फ्री, पर सारा सब कुछ जो सैनिटाइज़ किया और मेरी ब्राइडल को मैंने कम्प्लीटली रेडी करके भेज दिया। यानी उसका आज बर्थडे भी है, आज ही शादी और आज ही बर्थडे, बहुत अच्छा है। मेरी फ्रेंड है वो, और मैंने फर्स्ट मेकअप का शूट उसी के साथ किया था। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके देखोगे तो, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं थंबनेल में पिक डाल दूँगी तो आप देख लेना, हो सकता है तो वीडियो के अंदर भी डाल दूँगी। और अभी सारा कुछ सैनिटाइज़ किया है, मैं भी अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। ऊपर का मास्क है वो भी सैनिटाइज़ करके लटका दिया है, और थक भी बहुत गई हूँ। 5 बजे की उठी हुई थी, मेरा कुछ जो सुबह नाश्ता करना था वो भी कर लिया, और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। और अभी जाऊँगी घर पे, नहा कर वगैरह सब कंप्लीट करके यहाँ पर आऊँगी, और बस यही। बहुत प्यारी लग रही थी, और दोस्त है इससे ज़्यादा एकदम इमोशनल टच रहता है ना, शादी हो रही है ऐसा। चलो अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी निकले, बस यही चाहती हूँ, यही विश करती हूँ उसके लिए। और सारा कुछ अभी ज्योति सारा समेट रही है, और ब्रशेज एंड ऑल सब अभी घर ले जाऊँगी, वॉश करके साथ में ले आऊँगी, क्योंकि सैनिटाइज तो करते रहते हैं बट थोड़े बहुत भी जो गंदे हो जाते हैं क्लीन ही करके रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। चलो फिर तो अब आपको घर पर ले जाते हैं और घर जाके बात करते हैं। अभी आ गई हूँ घर पर, और काम वाली तो नहीं है इसलिए, कल रात को बर्तन वगैरह सब करके सोई थी, सुबह सुबह काम मुझे ज़्यादा ना हो इसलिए। तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी, और फिर आज दीदी जिया जी, हनी बनी और वेवन जी, वेवई जी आने वाले हैं, तो खाना वगैरह भी प्रिपेयर करना, तो जल्दी से निपटाती हूँ घर का काम और फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है, अब इसके अंदर फटाफट दूध खाली करूँगी। पॉलीथीन वगैरह सारे धो के इधर मैंने रख दी है। खीर बनानी है इसलिए एक तरफ बन रही है खीर, एक तरफ बन रहा है घी। जब तक झाड़ू पोछा करके कंप्लीट होती हूँ तब तक बन जाएगा, तब तक उबल जाएगा दूध, तो फिर शक्कर वगैरह और चावल वगैरह भी डालने बाकी रहेंगे। तो चलो घर के कामों में लग जाते हैं। झाड़ू पोछे हो गए हैं, पूरे पसीना पसीना हो गई हूँ, तो क्यों ना एक बार अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, फिर ही खाना बनाती हूँ। मैं हो गई हूँ ये रेडी, और गेस्ट भी आ चुके हैं, तो अगर शूट कर पाई तो करूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे। अभी हो गई हूँ फ्री लगभग, दीदी और ये लोग तो गए नहीं हैं, पर 5:30 हो रही है और एक दो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर देती हूँ, तो अभी जा रही हूँ शॉप पे, फाइनली कुछ काम कर पाऊँगी। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी कर रही हूँ चिकू को कॉल, जल्दी मैं फ्री होके बाहर खड़ी हो गई, मैं व्लॉग भी चालू है, अर्जेंट आओ, 2 मिनट में रख के आ जाओ, ठीक है। चलो
थोड़ी सी धमकी के काम आई, चाबी भी देनी है, क्या करें देखते हैं। इतनी देर खरगोश को ही देख लेते। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, कुछ कुछ कर रही हो, क्या कर रहा है। मौसम तो अच्छा है पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बाहर पूरी हरियाली हो गई है बारिश आने की वजह से। ये तो अच्छा है, यहाँ पे दो दिन पहले सांप का बच्चा था मरा हुआ और आज और सांप देखा गया है। हरियाली होने से यही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं, डर भी बहुत लगता है, बच्चे बहुत घूमते हैं इसलिए, और बच्चे क्या बड़े भी घूमते हैं, जानवर होंगे तो डर तो लगेगा। शुक्र अभी तक आए नहीं है, मेरे कोई भी मास्क ले आऊँ बड़ा ही आता है, ये भी इतना बड़ा और है बहुत ज़्यादा। याद है चिकू, वो भी इनकी धूम बाइक लेके, ये नीचे इतना लूज क्यों हो रहा है, क्या अच्छा अब हो गया टाइट, टाइम पकड़ा ही सही नहीं रहा, ऐसे वाला नहीं होता, हमको तो सब सूट हो जाता है, हम क्या व्लॉगिंग में नाटक नहीं करते हैं, तुम करते हो नाटक। अभी आ गई हूँ सैलून और यहाँ पर थे अपॉइंटमेंट्स दो तीन, तो चलो वो निपटा देती हूँ। और अभी हेयर कट है तो ज्योति हेयर वॉश करवाने गई है क्लाइंट को, चलो काम करते हैं, काम करेंगे तभी तो दिन चलेगा। अभी फ्री हुई हूँ सब अपॉइंटमेंट से, आप हाल देख सकते हो सैलून का और मेरा भी देख सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ये सब तो सब क्लीनिंग का काम तो सुबह ज्योति आके करेगी, ब्रशेज़ वगैरह जो भी वॉश करने हैं, सैनिटाइज़ वगैरह तो मैं करके जाऊँगी अभी, और सेल्फ सैनिटाइज़ तो मैंने कर लिया है, और अब जाएंगे घर पे, और घर पे जाके बनाना है खाना। टॉवल तो वैसे धोने के लिए दे जाना, और यहाँ पे ये ब्रश टच किया, ब्रश को भी सैनिटाइज कर देती हूँ, डन। और ये हैंडल को भी सैनिटाइज कर देती हूँ, और खुद के हाथों को भी वापस से सैनिटाइज कर देती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं टच होते ही रहते हैं इसलिए। चलते हैं घर पे, और घर पे जाके बनाना है खाना, देखते हैं चलो आज खाने में क्या बनता है। ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट आ चुके हैं और अभी चल रहा है ऑफ, तो आपको अगर बाय करने हो तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सभी पे अभी ऑफर चल रहा है, मैं ऑफर का स्क्रीनशॉट आज डाल दूंगी। ऑल ओवर सब ब्रांड्स पे चल रहा है, एयर फ्रेशनर पे तो बम्पर ऑफर चल रहा है, यू कैन बाय दिस। ये है पार्सल, इनको करना है डिस्पैच, ये चिकू लेने के लिए आ गए। डिस्पैच नहीं करना है, मैंने कुछ लिया है। ये गाड़ी हमारी, हम जा रहे हैं, आज चिकू का वेट कम हुआ, चिकू इतना खुश है, ओहो वाह क्या सीन है, पर दिख ही नहीं रहा आसमान में, पता नहीं दिख। अच्छा आईओएस बढ़ जाता है क्या, देखती हूँ चलो, मेरे को बोला भी नहीं क्या कि ये तो चलो पार्सल है, ये तो पार्सल लगाना है। ये है कैमरे की बैटरी, हमारे जो मेकअप के ट्यूटोरियल बनते हैं वो, और ये है ट्री ट्री कंडीशनर, ओके ये इसका अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना इसलिए, अच्छा विटामिन सी फेस वॉश जो कि इनको अच्छे सूट होता है, इस वो वाला है तो इसका रिफिल है बोला है। ओहो बॉडी वॉश मामा अर्थ का, और अच्छा बॉम्बे शेविंग का हेयर वैक्स लाइन नेचुरल मैट लुक, ओके चलो बढ़िया है, मेरे बिगर कुछ शॉपिंग करना तो सीख रहे हैं, नहीं तो मेरा जी खा जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी खा जाते हैं, क्या लो करके, बढ़िया है। आज सुबह हमने सब ने हेवी लंच किया था इसलिए, हेवी क्या खीर पूड़ी खाई थी तो किसी को ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है, तो सुबह के ठंडे राइस पड़े हैं तो इसी को मैं खाने में भी फ्राई कर रही हूँ,
इसके लिए ये सारा वो निकाल दिया है। ये मिर्ची ऑनियन वगैरह कट कर दिए हैं और इसी के अंदर हल्दी नमक धनिया डाल दिया है। खाने में बन गए हैं पोहा स्टाइल के फ्राइड राइस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज सोचा था सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो चलो यही बना लूँगी तो काम चल जाएगा, पर फ्रिज में देखा तो लैला के लिए रोटी बनी हुई नहीं है, तो लैला के लिए तो खाना बनाना ही है, वही वापस आटा बांधो रोटी बनाओ। ठीक है चलो थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर करूँगी तो थोड़ी एनर्जी रहेगी। अभी मैं खाना वगैरह सब खा के फ्री हो गई हूँ। आज मैंने बर्तन रहन दिए, कल संडे है तो सब कुछ कल करेंगे, इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिख रहा होगा मेरे फेस से मेरी क्या हालत होगी। एक बार तो सो के भी उठ चुकी हूँ, यानी 15-20 मिनट की नींद लेके, तो अभी मैं सो जाती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।